हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये छठ पूजा के दूसरे दिन वाला ब्लॉग है। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ और मैं यहाँ सुबह सुबह ये जो है शूट कर रही है, युक्ति की फ्रेंड वो शूट कर रही है क्योंकि युक्ति शायद बिजी थी, शावर लेने गई थी, तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं कुछ खाना बना रही हूँ। और खाना बनाने के बाद से मेरा खाना भी ना खा के हो जाएगा क्योंकि एक दिन या दो दिन पहले मेरा फास्ट था छठ पूजा का, आपको पता है। तो उसके बाद ही ये मैं कर रही हूँ शूट। और यहाँ पे देखिए, फ्रूटी अपना वार्डरोब क्लीन कर रही थी, बोलती आप बैठो मैं अपना वार्डरोब क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं दिखा रही थी कि कितना गंदा है कि जैसे तैसे वो लोग रख देते हैं। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मुझे खुशी की याद आ रही थी, तो बाजू में जो पहले मैंने एक वीडियो में डाला था डॉग का ये जो टॉयज था, तो इसको मैं साथ में लेके बैठी थी। है छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी है। और यहाँ पे तारक मेहता चल रहा है, सिमरन बैठी है। और उसके बाद से मेरा नेक्स्ट डे फ्लाइट था, तो मैं अपना आ गई थी, रात की फ्लाइट थी मेरी क्योंकि मुझे वहाँ से मतलब खुशी को भी लेना था। और उसके बाद से फिर मुझे घर को जाना था क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि आप लेके आ जाइए और फिर मैं उसको ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें ये रात का मुंबई शहर कैसा लग रहा है, जगमगाता हुआ लाइट जब चलने लगती है ना और जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। बट यूजुअली अभी मुझे फ़्लाइट में घूमना फिरना अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि एक तो आप ना मोबाइल चला सकते हो ना कुछ, पूरा 2-2.5 घंटा आपका वेस्ट होता है और एकदम इरिटेट होता है। आदमी सो सो के भी कितना सोएगा फ्लाइट में, तो मुझे बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ, ऊपर जाने के बाद तो कुछ भी नहीं दिखता। तो यहाँ पर देखिए खुशी को साथ में लेके आई थी और इसकी मस्ती देखो, इसको यही कंबल चाहिए सोने के लिए, दूसरा नहीं चाहिए। मैं जब भी इसको फेंकती हूँ नीचे तो ये उठा के लेती है, मेरे पास कोई भी कंबल इसने छोड़ा नहीं है। ये एक कंबल था जो मैं ओढ़ती थी, इसको भी यही चाहिए, इसी पे आके सो जाती है और मुझे हमेशा खींच के साइड में कर देती है, वो खुद ही खींच लेती है। और यहाँ पे देखिए मैंने ये मतलब मेरा जो रेंटेड बेड था मैंने मंगा लिया है और ये लोग असेंबल कर रहे हैं। अच्छा, रेंटेड का मतलब ये नहीं कि आपको जूना गद्दा देते हैं। और वहाँ पे मेरी मशीन की बीप हो रही है, मशीन हो गया है तो अभी मैं उसको बंद कर दूँगी, साइड में आवाज़ आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर ये लोग ने असेंबल कर दिया, तो मैंने बॉक्स वाले लिए थे क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना मुझे रखने के लिए चाहिए थी। तो इसका जो रेंट है 600 है मंथली और इसका प्रोसेस ही बहुत अच्छा है क्योंकि आप नया ही बेड देते हैं ये आपको और आप पैसे भरते हो ना, तो अगर बेड का अमाउंट पूरा हो जाता है तो ये बेड आपको ही दे देते, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेते। तो किसी ने बोला था दी आप OLX से ले लो, तो बट OLX में हमेशा जूना ही मिलता है तो मुझे जूना बेड नहीं चाहिए था। मैंने उनसे कंसल्ट किया था कि आप मुझे बताइए कि पुराना देंगे कि नया, तो उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है, तो फिर मैंने ले लिया। तो यहाँ पे देखिए फिर कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था तो यहाँ पे पास्ता पिज़्ज़ा मंगाया है, इसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की है तो आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा औसम था। अच्छा, यहाँ आने के बाद मैंने एक भी बार पिज़्ज़ा नहीं बनाया, गुजरात में थी तो हमेशा पिज़्ज़ा बनाती थी क्योंकि वहाँ पर मिलता नहीं था, यहाँ पर मिल जाता, इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत अब नहीं करती। और मेहंदी का कलर दिखा रही थी। और नेक्स्ट डे मैं चली गई थी मॉल में क्योंकि खुशी के कुछ मतलब सोप वगैरह और कुछ सामान लाना था, उसका जो फूड है वो जल्दी मिलता नहीं है, तो क्योंकि अभी वो छोटी है ना, 50 डेज़ की तो अब ऑलमोस्ट हो ही चुकी है तो उसका फूड मिलता नहीं है, तो इसीलिए जो फूड उसको रेकमेंड किए थे वही मैं ढूंढने के लिए निकली थी क्योंकि ऑनलाइन वो स्टॉक नहीं था, क्योंकि जो पैकेट मैंने मंगाया था ऑलमोस्ट ख़त्म होने के लिए आया था, तो मैंने सोचा था कि 10 kg का पैकेट एक साथ ही ले लेती हूँ तो अच्छा पड़ेगा, वो रिजनेबल भी पड़ता है और बजट में भी रहता है, और थोड़ा सा उसका पाउडर और शैम्पू वगैरह कुछ लेना था। तो यहाँ पर कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा था तो वही मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, जो बेंगलोर से बता सकते हैं कि ये मॉल कौन सा है, मैं बताने वाली नहीं हूँ कि बिल्कुल भी कि मॉल कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए सब मैं दिखा रही थी और बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि संडे वाले दिन गई थी, कल ही गई थी और ये वीडियो आज एडिट कर रही हूँ। मोची में मैंने सोचा था कि एक बैग ले लूँ बट ऑलरेडी मेरे पास अभी 2-3 हैंडबैग है, तो मेरा अभी फिर मूड नहीं था लेने का और बजट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था इसलिए, क्योंकि खुशी का ही सामान लेने में बहुत ज़्यादा मतलब बजट हिल गया है। पेट पालना आसान नहीं है क्योंकि उनकी हर एक चीज़ एक छोटे बच्चे जैसी ही लगती है, मेडिसिन हो या कोई भी चीज़ हो सारी चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पे मैं सब दिखा रही थी और यहाँ पे खुद को भी दिखा रही थी, तो पहले तो मैं बाहर दिखा रही थी, मैं सोचा था यहाँ बैठ के कुछ खा लूँ लेकिन मैंने नहीं खाया और उसके बाद से फिर मैं चलने लगी अपने वापस से लक्ष्य की तरफ जो मेरा लक्ष्य है। मैं पेट शॉप ढूंढ रही थी लेकिन मिला नहीं क्योंकि यहाँ पे मॉल में एक किसने मुझे बताया था कि यहाँ पे मतलब मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे आई थी लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे उसका जो फॉर्मिंग शॉप था वही मिला, दूसरा कुछ नहीं मिला। और यहाँ पे सेल चल रहा था तो वो देखने के लिए आ गई और उसके बाद से मेरी फ्रेंड मुझे मिल गई तो थोड़ी हेल्प हो गई क्योंकि
मैं अकेले अकेले शूट करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा कंटाला आता है। तो फिर मैंने उसको बुलाया था, तो वो बहुत देर के बाद आई। फिर हम लोग चाइनीज़ वॉक में चाइनीज़ खाई, और उसके बाद से फिर मैं घर घर के लिए निकल गई, क्योंकि खुशी को मैं अकेले छोड़ के आई थी थोड़े टाइम के लिए। अच्छा, पेट को अगर छोटी है ना तो आप ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकते, 1 घंटा तो बस हो जाता है, उससे ज़्यादा उसके बाद वो रोने लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको खाना पीना करके खिला के फिर सुला दी हूँ, और उसके बाद से यहाँ पे मेरी हालत देखो। ये सुबह सुबह का टाइम है, वो रात को उसको 3 बार खाना लगता है, और मॉर्निंग का उसको मैंने फूड दे दिया था, और उसके बाद यहाँ पे मेरी नींद हुई नहीं है, क्योंकि इसके चक्कर मेरी नींद भी नहीं हो रही है, मेरी एडिटिंग नहीं हो रही है। इतना मुझे ये परेशान करती है ना, मैं सो ही रहूँगी, मेरी चोटी खींचेगी, मुझे परेशान करेगी। मतलब उसको चाहिए ना खाना खाने के बाद खेलने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे इसके लिए टॉयस ला के दिया है, तो टॉयस से नहीं खेल रही थी, बोलती है नहीं आप खेलो। उसको पेट पर ना ऐसे गुदगुली करेंगे ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और चुपचाप ऐसे ही लेटी रहेगी। तो मतलब इसको कैसे ना, छोटी है इसलिए कुछ हम ज़्यादा इसको ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ से मैं लाई थी उन्होंने बोला था एटलीस्ट 3 मंथ तक आप इसको ट्रेन नहीं करना, क्योंकि अभी बच्चे हैं उनको कुछ समझेगा नहीं। और आप इसको मेरी चोटी इतनी पसंद आती है ना, जब मैं लटका के सोती हूँ ना तो चोटी को खींचने लगती है, और यहाँ पे देखो मैं इसको चिल्ला रही हूँ कि छोड़ मेरी चोटी। पता नहीं इसको मेरी चोटी क्यों चाहिए, जब अगर चोटी नहीं देती हूँ तो और जोर जोर से भोंकना चालू कर दिया। अच्छा, जब लेके आई थी तब इसने भोंकना नहीं सीखा था, धीरे धीरे मतलब ऐसा साउंड करती थी, लेकिन अब तो इतना जोर से भोंकती है ना, अगर मैं सोई भी रहूँगी इतनी गहरी नींद में तो बहुत जोर से चिल्लाती है जब इसको भूख लगेगी, और फिर मेरे को उठा देती है। तो मैं अभी बेड पे नहीं लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इसको बेड पे अभी फिलहाल मत लेना, क्योंकि इसके हेयर थोड़े निकल रहे हैं ना, इसका इंजेक्शन और दवाई चालू है वो देते हैं, तो थोड़ा बहुत हेयर ये होता है। और इसको ना मेरा मंगलसूत, तो मेरा ब्रेसलेट, मेरे कान की इयररिंग सब खींचने के लिए चाहिए। इसको अभी चिल्लाई तो यहाँ पर जाके सो गई, और अभी तो इसने इतना बड़ा कांड किया ना कि जब मैं मॉपिंग कर रही थी, अभी आगे दिखाऊंगी आपको कि मॉपिंग कर रही थी तो कैसा। ये लड़की को देखो, इसने पूरा इधर से टैप का इसने ये खोल दिया और पूरा पानी पानी हो गया घर, और यहाँ पे अभी इसकी मस्ती चालू है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है। अभी लादी भी पोछते नहीं दे रही है, देखो पूरा पानी पानी कर दिया इसने, टैप खोल के मैं लादी पोछ रही थी तो एक काम नहीं करने देते। देखो खुशी हटो हटो और यहाँ पे आपने देखा उसने पूरा टब का पानी, मैं बोले टब में से पानी गया किधर, बाद में देख रहे तो पूरा भरा, पूरा पानी उसमें से गिर के पूरा फ्लोर पे ये हो गया है। और इसकी मस्ती इतनी बढ़ गई है ना कि सारी चीज़ें, अभी मैंने 2000 का ब्लूटूथ मंगाया था 1+ का, उसने क्या किया कि पूरा काट के रख दिया। मतलब मैंने अनबॉक्सिंग किया और जस्ट मैं खाली किचन में गई और किचन से आई, फिर मेरा ध्यान इतना नहीं था, 5-10 मिनट में पूरा 2000 की वाट लगा के रख दी। तो अभी इसको मैं क्या चिल्लाऊँ, उसको अगर कुछ समझ में आता, कुछ समझ बूझ रहती तो समझ में आता तो मैं उसको चिल्लाती ना, लेकिन कुछ नहीं, उसको कोई भी चीज़ देते हैं ना। अभी वो टॉयज लाया, टॉयज में का आँखें उसने निकाल दी, उसको आँखें नहीं पसंद है, बस उसको टॉयज ऐसे ही चाहिए। और यहाँ पे लादी पहुँच रही तो उसको लग रहा है मैं उसके साथ खेल रही हूँ, तो आगे पीछे कर रही है, मतलब इतना मतलब परेशान करती है ना। अच्छा, खुद की नींद रहेगी इसकी ना तो आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी उसको उठाओ, नहीं उठेगी, उसका जब मन आएगा तभी उठेगी। और हम सोएंगे ना तो हमको सोते हुए नहीं देखेगी, और फिर वो मतलब उसका चिल्लाना चालू हो जाएगा। जब भी मैं सोती हूँ, जब भी मैं सोती हूँ ना, इसका जब देख लेगी कि मैं सोने जा रही हूँ, अब बिस्तर लगा रही हूँ सोने के लिए, तब उसका चिल्लाना चालू हो जाता है। बस उसको गोदी में लो और उसको ऐसे सर पे ऐसे गुदगुली करो तो वो सो जाएगी, फिर उसके बाद आप सो। तो इसकी इतनी मस्ती है, इतनी मस्ती है ना कि अभी क्या बोलूँ। चलो, लेकिन मुझे एक अच्छा लग रहा है ना कि वो शांत शांत घर में था ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो फिलहाल ये मोपिंग करने के बाद से मैंने इसको शावर मतलब वाइपिंग कर रही हूँ, 2 दिन के बाद वाइप कर रही हूँ, क्योंकि एक जो वो लोग खाते हैं ना फूड तो उसका अजीब सा स्मेल आ जाता है, क्योंकि उसमें नॉनवेज वगैरह रहता है फूड में, तो इसके लिए उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो मुझे वो थोड़ा इरिटेट होता है। तो मैं एक दिन गैप करके, एक दिन इसको क्लीन करके पाउडर वगैरह लगा के अच्छे से रखती हूँ, इसके माउथ वगैरह क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में ना गर्म पानी लिया है, क्योंकि टोटली इसको शावर तो नहीं देना है, पूरा शावर के नीचे नहीं नहलाना है, सिर्फ वाइप करना है। तो और उसके बाद से इसको मैं डेटॉल डाल के पूरा अच्छे से पोंछ रही हूँ, और पोंछने के बाद से इसका जो फॉमिंग सोप लेके आई थी, शैम्पू बोलते हैं, तो उसमें अच्छी स्मेल है, तो उसको ना सिर्फ ऐसे ही लगा के ड्राई कराना है, उसको वॉश नहीं करना है, तो इसको वही मैं अच्छे से कर रही हूँ। तो अच्छा, मैं इसमें उसका नाम नहीं बताऊँगी कि मैं कौन सा सोप और क्या यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग पैड के अलग अलग शैम्पू और पाउडर बाकी चीज़ें होती है, उनका प्रोसेसिंग अलग अलग होता है, तो इसीलिए मैं कोई भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगी।
और बस देखिए इसकी मस्ती इतनी है कि इसको ना नहाना नहीं पसंद है, इसको बस दिन भर पानी आप गिरा दो, खुद से कुछ भी करे, लेकिन अगर आपने इसको पकड़ के नहलाया ना तो बिल्कुल भी नहीं नहाएगी, और उसको तो ऐसे लगेगा ना जैसे इसको कोई मार रहा है, और दांतों से पकड़ने की कोशिश करती है क्योंकि अभी बेबी है, दांत है ना तो आ रहे हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा इंचिंग होता है, तो इसके लिए डॉल और बॉल्स वगैरह मैं लेके आई हूँ, लेकिन अभी वो भी देने के लिए इसको ज़्यादा मना किया है क्योंकि अगर वो ज़्यादा देंगे ना तो दाँती थे ना अंदर बैठ जाएगा, वो बाहर आएगा भी नहीं, तो इसलिए तो अभी मैं करूँ तो क्या करूँ, पूरा डोर मैट, पूरा मेरा चादर, पूरे मेरे कपड़े, मेरा ब्लूटूथ सारा काट के इतने दिन में रख दी और इतना सारा नुकसान करके रख दी। फिलहाल तो ब्लूटूथ का तो मैंने वापस रिप्लेसमेंट डाला, मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है तो वारंटी में था तो उन्होंने एटलीस्ट रिप्लेस करके दे दिया, नहीं तो फिर मेरी तो 2000 की तो वैसे ही वाट लग गई थी क्योंकि जो पुराना वाला था इसने ही कट करके ख़राब कर दिया। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मिंग बेस में आता है, इसको अच्छे से लगा दूंगी और इनकी कैरिंग भी ना वो जो जैसे बेबी बॉर्न बच्चे होते हैं ना सेम वैसी ही कैरिंग करनी होती है, मतलब इनको सुसु पॉटी इनका क्लीनिंग वो सारी चीज़ें ध्यान में देना होता है और इनके हर 2 या 3 घंटे बाद इनको फूड देना होता है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, रात में 3 बार देती हूँ, दिन में 3 बार देती हूँ, टोटली दिन में तो 4 बार हो जाती है, रात में 3 बार होता है क्योंकि रात को थोड़ा ये सोती है ना तो वो टाइम में फूड नहीं लेती है, तो फिर इसके लिए तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से मैंने वाइप कर दिया है और अभी इसको अच्छे से टीथ वगैरह उसका माउथ वगैरह क्लीन कर दूंगी अच्छे से ताकि जो स्मेल खाती है ना उसका स्मेल नहीं आता। अगर आप भी पेट ऐसा करते हो ना तो अगर पेट को थोड़ा सा क्लीन रखोगे ना तो आपको इरिटेट नहीं होगा कोई भी चीज़ का। तो यहाँ पे देखिए ये अभी मैंने उठा लिया है, अब इसको थोड़ा सा ब्लो ड्रायर कर दूंगी हीट से, मतलब थोड़ा सा गर्म से ताकि इसको सर्दी ना हो, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप उसका हेयर गीला रहेगा तो उसको सर्दी, और इसको सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है, इसकी नोज़ है ना हमेशा बहने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको ब्लो ड्रायर कर रही हूँ ना तो इसको लग रहा है जैसे मैं मार रही हूँ, तो इधर उधर भाग रही है और मेरे को पकड़ रही है, तो मैं इसको इतना जोर जोर से पकड़ रही हूँ ना लेकिन तो भी इतना मुझे परेशान करती है ना, खाना बनाऊँगी तो पैरों के नीचे आके बैठ जाएगी, कुछ करने नहीं देगी, मैं बाहर जाऊँगी तो चप्पल पकड़ लेगी, मेरे चप्पलों की भी हालत, बाथरूम वाले चप्पल को भी काट के रख दी है और जो घर में पहनती उसको भी काट के रख दिया, तो अभी बिना चप्पल का ही मुझे घूमना पड़ रहा है, मतलब अभी अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन जब मैंने उनसे बात की ऐसे ऐसे करते बोलते कि अभी वो वैसे करेंगे ही क्योंकि उनको तो कुछ समझ नहीं है, 3 महीना होगा तो आप उसको थोड़ा सा ट्रेन कर दीजिए तो वो सब चीज़ें नहीं करेगी, तो उसकी चीज़ें कोई हाथ लगाएगा तो बहुत चिल्लाती है। और यहाँ पे देखिए खा पी के मस्त महारानी सो गई है और अभी मैं वीडियो की एडिटिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह सुबह का सारा काम हो गया, घर का काम और खुशी का काम सारा काम ख़त्म हो गया, और मैंने दिखाया ना अभी वो खा के शावर, उसको मतलब शावर नहीं दिलाना है, सिर्फ वाइप करना है 2 दिन में, तो वही मैं उसको डेटॉल से वाइप करके और थोड़ा उसका लोशन वगैरह लगा रही थी, जो फॉर्मिंग लोशन होता है ना, शैम्पू होता है बट ड्राई हो जाता है, उसको पोछना नहीं होता क्योंकि डॉग से एक अजीब सी स्मेल आती है ना तो ये लगाने से नहीं आती, तो वो सारा उसका काम हो गया, ब्लो ड्रायर उसको कर दिया क्योंकि उसका बाल सूखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो उसको सर्दी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल सो गई है मैडम और ये ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मैं अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं की हूँ, अभी जाना है ब्रेकफास्ट के लिए, और मेरा बेड आ चुका है आप देख सकते हो, ये रेंटेड बेड है, 600 पर मंथ है, किसी ने बोला था दी आप OLX से ले लो तो, बट मुझे नहीं लेना था, वो लोग जो रेंट पे देते हैं ना वो नया ही देते हैं, और उसके बाद से क्या होता है ना कि आप जितना पेमेंट करते हो ना तो अगर आपका बेड से बेड का पेमेंट क्लियर हो जाता है तो ये बेड आपको ही दे देते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ही EMI वाला ही सिस्टम हो गया ना, तो बहुत ही अच्छा है। और ये देखो डीमार्ट से मैं लेके आई इसको रखने के लिए, अभी इस पर सारा सामान रखना है, डेकोरेट करना है, तो अभी किचन विचन का टोटली काम ख़त्म हो गया, अभी मैं शावर लूँगी और हलीम भिगा के रखा है, मुझे हलीम का दूध पीना है क्योंकि अभी सर्दियाँ चालू हो गई है, तो सीजरिंग है तो बैक पेन ज़्यादा होता है, तो इसलिए तो मेथी और हलीम भिगा के रखा है उसको पीने के लिए दूध में। तो अभी फ़िलहाल ये ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, आई होप अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक करना, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी चैनल का लिंक है तो चेकआउट करना, ठीक है। और खुशी की मस्ती देखिए आपने पूरा उसने ना वो जो नॉब होता है ना टैप का, जो मॉपिंग का होता है उसमें टैप में नॉब होता है पानी निकालने का, उसने पूरा खींच के निकाल दिया, पूरा घर में पानी पानी हो गया और उसमें वो खेल रही है, उसको इतने मज़े लगते हैं पानी में खेलने के लिए। तो फिलहाल सब साफ ही फूक करके हो गया, मेरा काम भी फिनिश हो गया, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद से फिर मैं मेरे लिए हलीम बनाऊँगी और फिर पीऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।